हेलो दोस्तों, नई वीडियो और नए अपडेट में आपका स्वागत है। अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म खेल खेल में की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। आपसी पन्नू, वाणी कपूर, फरदीन खान, एमी विर्क, आदित्य सील और अन्य कलाकारों वाली यह फिल्म 6 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। दोस्तों, यह तारीख खास है क्योंकि यह अक्षय के जन्मदिन वाले सप्ताह के साथ मेल खाती है। कहानी के तौर पर यह फिल्म 3 जोड़ों के साथ एक सिचुएशनल कॉमेडी है। अक्षय ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह पाइपलाइन में कई फिल्मों के साथ कॉमेडी शैली में लौट रहे हैं। कहानी दोस्तों के एक समूह के रात के भोजन के लिए इकट्ठे होने पर केंद्रित है, जिसके दौरान में अप्रत्याशित रूप से एक दूसरे के बारे में रहस्य प्रकट करते हैं। यह फिल्म 2016 की इटालियन कॉमेडी थ्रिलर परफेक्ट स्ट्रेंजर्स का आधिकारिक रीमेक है। दोस्तों, बड़ी मियां छोटी मियां फ्लॉप होने के बाद अक्षय कुमार की नई कॉमेडी फिल्म खेल खेल में की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। लगातार फ्लॉप देने के बाद भी खिलाड़ी कुमार की झोली में कई फिल्में हैं। अभिनेता अब अपनी आगामी फिल्म खेल खेल में को लेकर चर्चा में चल रहे हैं। अक्षय कुमार इस फिल्म में एक बार फिर अपनी कॉमेडी जोन एंट्री करने जा रहे हैं। इस बार स्क्रीन पर उनका साथ अभिनेता फरदीन खान देने वाले हैं। दोस्तों, फरदीन खान लंबे समय के बाद संजय लीला भंसाली की मंडी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने के लिए तैयार हैं। अब इस प्रोजेक्ट के बाद फरदीन अक्षय कुमार के साथ फिल्म खेल खेल में धमाल मचाने की तैयारियां कर रहे हैं। होली में अभिनेता ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया है। दोस्तों, खेल खेल में अक्षय कुमार अपने पुराने कॉमेडी जोनर में नजर आने वाले हैं। इसी उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को एक बार फिर खिलाड़ी कुमार से कनेक्ट कर पाएगी। वहीं बीते दिन भूल भुलैया के डायरेक्टर प्रियदर्शन ने भी अक्षय कुमार के साथ एक हॉरर फैंटेसी फिल्म बनाने का विचार किया है। और दोस्तों, अगर हम अक्षय कुमार की BMCM के कलेक्शन की बात करें तो आलिया भट्ट जफर की इस मूवी ने उम्मीद से कम कमाई की है। BMCM पूरी तरह फ्लॉप होती नजर आ रही है। शनिवार यानी 17वें दिन की कमाई में थोड़ा उछाल देखने को मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को मूवी ने 0.65 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है। लेकिन दोस्तों, जिस अंदाज के साथ मूवी ने ओपनिंग की थी, उसे देखकर लग रहा था कि मूवी बेहतर कलेक्शन कर सकती है। लेकिन अब ये मूवी पूरी तरह ठंडी पड़ती नजर आ रही है। शनिवार के बाद अब फिल्म की कमाई 59.55 करोड़ रुपए हो गई है। और अगर आप डे वन से कलेक्शन जानना चाहते हैं तो आप ये कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। दोस्तों, अक्षय कुमार हिंदी सिनेमा के वो सुपरस्टार है जो साल में 3-4 फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। इस साल की शुरुआत उन्होंने BMCM से की, जिसके बाद भी अक्षय की फिल्म का सिलसिला इस साल जारी रहने वाला है, जिसकी लिस्ट में ये कुछ फिल्में आती हैं। सरफिरा, साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्य की सुपरहिट फिल्म सरफिरा पोत्रो का हिंदी रीमेक अक्षय कुमार करते नजर आएंगे। फिल्म का नाम सरफिरा है और कुछ समय पहले इसका फर्स्ट लुक टीजर भी जारी किया गया था। अक्षय की यह फिल्म 12 जुलाई 2024 सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अगले नंबर पर स्काई फोर्स। होली में अक्षय कुमार ने अपने एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म स्काई फोर्स शूटिंग को खत्म किया है। माना जा रहा है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज की जाएगी। अगले नंबर पर वेलकम टू द जंगल। इस साल की अगर अक्षय कुमार की कोई सबसे बड़ी रिलीज फिल्म मानी जा रही है तो वो है कॉमेडी मूवी वेलकम टू द जंगल होगी। वेलकम फ्रेंचाइजी की तीसरी किस्त में हिंदी सिनेमा के कई कलाकार नजर आएंगे, जिसको 20 दिसंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा। अगले नंबर पर सिंघम अगेन। डायरेक्टर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिंघम अगेन में अक्षय कुमार कैमियो रोल करते नजर आएंगे। यूं तो मूवी इस साल 15 अगस्त को रिलीज की जानी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पुष्पा 2 की वजह से सिंघम अगेन की रिलीज डेट में बदलाव भी किया जा सकता है। सो दोस्तों, आपको अक्षय कुमार की किस मूवी का इंतजार बेसब्री से है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ ही अगर आप अक्षय कुमार की मूवी वेलकम टू द जंगल पर आए नोटिस को लेकर वीडियो चाहते हैं तो आप इस वाली वीडियो को जरूर वॉच कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगी। आप एक बार जरूर वॉच करें। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक्स वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।